नमस्कार सभी को, जय शंकर। हमारे समक्ष तन्मय जोहल, जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर मंदिरों के शहर का नाम रोशन किया है। आपके समक्ष ये मेडल्स देख रहे हैं। कड़ी मेहनत के बाद मेडल हासिल होते हैं। जब आपको बता दूं कि कराटे, सेल्फ डिफेंस और आत्मरक्षा, ये बच्चा है कराटे के लेकर जापान में 10 दिन के लिए हमारे जम्मू कश्मीर से गए हुए थे। सबसे पहले कब शौक पड़ा आपको आत्मरक्षा के लिए? जब मैं क्लास फर्स्ट में था तभी मेरे कोच मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि आप कराटे करोगे। तब मैंने सोचा कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट है एक। तो जी जब जब मैं धीरे धीरे इसमें बढ़ता गया आगे, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट होने लग पड़ा, ज़्यादा अच्छा लगने लग पड़ा। और जब मैं एक दो मेडल जीता तो मुझे मोटिवेशन भी बहुत मिला कि जी, मैं इससे कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, करियर बना सकता हूँ। अच्छा अभी तक कहाँ कहाँ नेशनल खेली है आपने? कहाँ कहाँ तक गए हो आप? जी, मेरा फर्स्ट नेशनल 2018 में था गाज़ियाबाद में, एंड उसके बाद 2019 में मैंने SGFI खेला था छत्तीसगढ़ में, जो कि छत्तीसगढ़ दुर्ग में हुआ था। एंड उसके बाद नैनीताल में, उसके नैनीताल, गाज़ियाबाद, औरंगाबाद, इन सभी जगहों पे मैंने नेशनल खेला है। यस, और मध्य प्रदेश देवास में भी जी। तो कैसा सपोर्ट रहता है आपके पेरेंट्स का जब आप बाहर जाते हो? आपके जो जो गुरु हैं जिसे आप शिक्षा लेते हो कराटे की, कैसा सपोर्ट रहता है आपका पेरेंट्स का भैया? जी, इन सब का बहुत सपोर्ट रहता है। जब भी कोई कंपटीशन होता है तो मेरे पेरेंट्स कभी, मतलब ना की तो गुंजाइश ही नहीं है। वो हमेशा कहते हैं कि जाओ, ज़रूर अच्छा खेल कर आओ। ये भी नहीं कहते कि मतलब हारो जी, हार जीत तो बनी है, लेकिन वो कहते हैं कि अच्छा खेल कर आओ, एक्सपीरियंस मिलता है इससे। अचीवमेंट्स का क्या है, एक्सपीरियंस मिलता है। और मेरे कोच, सबसे बड़ा हाथ उनका है क्योंकि उनकी वजह से मैं ये नेशनल्स खेल पाता हूँ और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है। क्या नाम आपके कोच का? ब्रजेश कुमार भाऊ अभी आप जापान में कहाँ गए थे, कितने दिन के लिए कैंप के लिए गए थे, और वहाँ से जो आप कोचिंग ली उससे क्या कहना चाहेंगे? अनुभव जो है, आपकी तरह नौजवान जो आपकी तरह बनना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बहुत बड़ी बात होती है जम्मू से जापान जाना और कोचिंग के लिए। जी, जापान में हमारा टोक्यो के पास एक टाउन है हसुदा, वहाँ पे हमारा कैंप था, ट्रेनिंग थी, 1 वीक, अराउंड 1 वीक। एंड वहाँ पे उन्होंने हमें 1 वीक के लिए ट्रेनिंग दिया, पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग, जो भी हर एक चीज़ कातास वगैरह सिखाए। एंड उसके एंड में हमारा एग्जामिनेशन था कि उन्होंने पूरा हमें ऑब्जर्व करना था लास्ट डे पे कि हमने पूरी ट्रेनिंग में ओवरऑल क्या सीखा है, और जो हम यहाँ से घर से प्रेपरेट करके गए थे और हमने वो भी वहाँ पर परफॉर्म करना था। एंड वो परफॉर्म करने की वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस देके हमारी उन्होंने हमें क्वालिफाई किया एंड हमें सर्टिफिकेट्स दिए। क्या क्या ट्रेनिंग हुई आपकी वहाँ पे, जो किस चीज़ की हुई, कैसी हुई, जो आप साझा करना चाहोगे? जी, वहाँ पे हमें काता सिखाए गए, जैसे कि बसाई दाई, एंड उनके भुंकाई सिखाए गए। भुंकाई मीन्स उनके प्रैक्टिकल्स, कि वो किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं, उसके स्टेप्स किस किस यूज़ में। और सोलोमोजी की एक, वहाँ पे एक और फॉर्म है कराटे की, पंचिस की, योको ताइजाबा की अनदर। एंड वहाँ पे इन दी एंड हमें काता परफॉर्म करना था, वही बसाई दाई, एंड उसके बेसिस पे उन्होंने हमें देखा और बताया हमारा एंड रिज़ल्ट। तो पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है जब आप अपने बच्चों को सपोर्ट करते हो। कई सारी गेम है हमारे भारत में, लेकिन बच्चा जिस गेम में जाना चाहे, माता पिता हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। इनके माता पिता हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाते हैं अपने बच्चों को, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि कभी ना कभी किसी कामयाबी के पीछे पेरेंट्स का, अपने गुरु का हाथ होता है। तो सर, कैसा सपोर्ट करते हो अपने बच्चों को, और कैसा लगता है जब आपका बच्चा जापान जाता है, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करता है? देखो, पेरेंट्स का तो फ़र्ज़ बनता ही सपोर्ट करना बच्चों को, और सपोर्ट करते भी हैं पेरेंट्स। तो मेरी तो हमेशा इसके साथ सपोर्ट रहा, फाइनेंशली भी और हर तरह से। मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि आप जाओ, जहाँ भी जाना जाओ, हार जीत तो चलो बनी है, बाकी मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। मैं स्पेशली इसको ज़बरदस्ती भेजता हूँ, इसका इंटरेस्ट तो है ही है। काफ़ी पेरेंट्स होते हैं जो कुछ फाइनेंशली, फाइनेंस की वजह से नहीं भेज सकते बच्चों को, जो कुछ भी है। लेकिन मैं इसको, आज तक इसका जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, इनके कोच ने जब भी मेरे को बोला है, फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने इसी को दी है कि आप जाओ सपोर्ट के लिए, खेलो जाके, कोई दिक्कत नहीं है। अब जापान के लिए गया था तो मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। बाकी इसके कोच बड़े अच्छे हैं, सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, मिस्टर ब्रजेश कुमार बहू जो हैं, मैं तो उन्हीं को सारा क्रेडिट देता हूँ। हमारा क्या, मैं तो एक दुकानदार बंदा हूँ, मुझे तो इतना नहीं नॉलेज इस गेम के बारे में। मेरे ख़ानदान में पहला बच्चा है जो गेम्स के लिए या निकला घर से बाहर, और हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है। जो भी कर रहे हैं इसके कोच ही कर रहे हैं इसके लिए सपोर्ट, इसकी मदद, हेल्प जो भी कर रहे हैं इसके कोच ही कर रहे हैं। मैं तो उनको सारा श्रेय दूंगा, उनका ही धन्यवाद करूंगा बार बार। तो वो इसके गुरु
हैं, लेकिन हमारे लिए तो भगवान ही है जो इसको इतनी दूर ऊंचाई तक लेके गए हैं। मेरे मेरे में कहाँ हिम्मत थी इसको इतनी दूर लेके जाना, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है इस फील्ड की जहाँ कुछ भी है। तो बढ़िया है, ठीक है, थैंक यू कोच सर का। बाकी और भी बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा गेम्स की तरफ ध्यान दो, अपने फिटनेस की तरफ ध्यान दो, नशों से दूर रहो, जी आगे बढ़ो। गेम्स जो हैं पढ़ाई के साथ साथ गेम्स जो हैं आपके फ्यूचर में काफ़ी काम आएंगी, और इससे आपको एक मॉरल सपोर्ट भी मिलती है, बाहर घूमने का एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिलता है गेम्स के थ्रू। तो सभी को जाना चाहिए, सभी पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें गेम्स के लिए, जिसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट है, ज़रूरी नहीं कराटे, क्रिकेट में, जी फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, जी काफ़ी गेम्स हैं, जी हर गेम में जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, अपने बच्चे का इंटरेस्ट पहचानो, बच्चे को उसी फील्ड में डालो, सपोर्ट करो बच्चे को, गेम करवानी चाहिए बच्चे को, गेम्स में वो कोई वो नहीं है। हमारा बच्चा वहाँ से इतना कुछ हासिल करके आया है जी और हर पेरेंट्स को प्राउड होता है कि उसका बच्चा आगे जाए और अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करे। और मुझे तो बहुत प्राउड है कि मेरा बच्चा आज इस लेवल पे पहुँचा है। तो आगे फ्यूचर में क्या सोचा आपने, आगे क्या करना है आगे? जी, मेरा यही गोल है कि इस स्पोर्ट में और एक्सेल करूं, जी पढ़ाई पे भी फोकस करूं, वो तो ऑब्वियस ही बात है, स्पोर्ट में एक्सेल करूं और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पीक है वहां तक पहुंचूं। जी और मेन फोकस जॉब के लिए, जॉब के पर्सपेक्टिव से रहेगा वो तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं अपनी कंट्री में। अच्छा, यस आगे आपकी मेहनत जारी रहेगी। यस सर, फॉर श्योर। यस सर, तो आज के दिन के लिए क्या संदेश रहेगा? जिस तरीके से आपने मेडल्स भी लाए हैं और सर्टिफिकेट भी लाया, तो अपने श्रेय किसे देना चाहोगे? अपने पेरेंट्स को जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं, आपके गुरु को जो आपको जापान लेकर गया था, क्या बोलोगे लास्ट बार? जी, मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू सो मच थैंक यू कहना चाहूँगा, और मेरे कोच को तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो मेरे लिए गॉड की तरह ही हैं। एंड सबको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प किया इस जर्नी के लिए, एंड सबको, फैमिली को भी थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि माता पिता कितना यकीन करते हैं अपने बच्चों पर। और बच्चे जो है, मैं कहूँगा कि जिस तरीके से जापान में जाकर कोचिंग लेना, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना बहुत बड़ी बात है। और आप इस बच्चे के लिए ज़रूर वीडियो को शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। आज जापान में जाकर इस बच्चे ने कोचिंग ली है, आने वाले समय में हमारे जम्मू का नाम भी रोशन करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप सपोर्ट करें। हम सभी माता पिता से ही यह अपील करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय शंकर।